दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक कलेजी कंस मामा द्वारा अपनी ही नाबालिग भांजी को हवस का शिकार बनाने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी मामा के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग पीड़िता की शिकायत उन्हें प्राप्त हुई है, जिसमें उसने बताया कि आरोपी ने उसे अकेला पाकर अपने हवस का शिकार बनाया। एक बच्ची के साथ उसी के रिश्ते में मामा लगता है, जो उसने रेप किया है, जिस पर हमने FIR लॉन्च कर ली है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कितनी उम्र है बच्ची की और आरोपी कितनी उम्र का है? बच्ची की उम्र 15 साल है और आरोपी है वो काफ़ी बड़ा है, 35-36 साल की एज है। और झूठ लगाया था, मेरी वो भांजी है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मेरी खुद वाइफ है। मैं कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे कोई नहीं है। शादीशुदा? शादीशुदा है। लड़की का आरोप है कि आपने उसकी माँ की गैर मौजूदगी में उसे तिरंग रेप किया है। और सर तो बात झूठा कुछ भी लगा सकते हैं। क्यों फंसाना चाहती थी आपने? उसका बता रहा हूँ, उनका लड़ाई झगड़ा हुआ था पहले, कुछ हुआ था तो उनको पहले से भड़ास कुछ निकालना चाहते हैं। ऐसे लड़ाई झगड़े चक्कर में रेप केस लगा देगा? पता नहीं, वो समझे पता नहीं क्यों लगाया ऐसा। वो भी एक बच्ची लगाएगी। मेरा तो यहाँ से जहाँ पे रह रहा हूँ किसी से पता कर लो कैसा बंदा है वो। बच्ची नाबालिग, इतना बड़ा केस लगा? पता नहीं क्यों ऐसा किया है उन्होंने मेरे साथ, किस बात के जैसे दुश्मनी। तुम कहाँ थे उस टाइम पे जब जिस टाइम की घटना बच्ची ने बताई? मैं गया था सैनिक कॉलोनी में, गाड़ी साफ करता हूँ, सुबह 6 बजे जाता हूँ। उसके बाद में आता हूँ, मैं ड्यूटी करता हूँ 8:45 बजे, ऐसे 8:30-9 बजे आता हूँ घर पे, नहा धो के भी 9:30 बजे मैं ड्यूटी है, वहाँ जाता हूँ गाड़ी चलाता हूँ, उसके बाद 8:30 बजे तक घर आता हूँ। ठीक।